मतलब गारा में पत्थर फेंके, तो उनका काम राम मंदिर का इन्होंने जिक्र किया अयोध्या में। राम मंदिर का मैंने जिक्र नहीं, नहीं मैं राम का जिक्र, हाँ राम का जिक्र किया, राम राज्य की बात की। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इससे लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष का कहना है, अगर बात करें कि कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर बस एक प्रोपेगेंडा है, धार्मिक ध्रुवीकरण है। ओवैसी साहब का कहना है कि मंदिर बनाने से क्या होगा, लेकिन राम मंदिर देश की ज़रूरत है या एक वोट लेने का एक तरीके से बीजेपी की राजनीतिक रणनीति है? राम मंदिर तो होना ही चाहिए। राम मंदिर भगवान की जगह है, जहाँ भगवान पैदा हुआ वहाँ मंदिर बनाना में कोई बुरी बात नहीं, प्रोपेगेंडा वाला कोई मामला नहीं है। और इसमें मंदिर भी नहीं बना, नहीं राजनीति तो हो ही रही है। दे दिया डेट दे दिया कि भाई मंदिर का हम होकर रहे, तो मैं ये कहूँगा कि हम जो हिंदू भाई है ना, जब राम मंदिर की हमने रैली निकाली थी तो करोड़ों में थे, धोड़ा कुआ, कनॉट प्लेस, नांगलोई सभी जगह भरी हुई थी। क्या हमारी तरफ से एक भी गलती पाई गई? क्या हमने कोई ऐसा काम किया कि हमारा देश का एक भी पैसे का नुकसान हो? हम सभ्य इंसान हैं और सभ्यता जानता है। मैं दूसरी बात और कहूँगा, ये मुस्लिम है ना, जो मुस्लिम इनसे चौथी पीढ़ी का नाम पूछो कि ये कौन है, ये हिंदू हैं। डर अगर अगर डर के ये मुस्लिम बन गए और आज राजनीति में आके ये हमारे जो राम या बजरंग दल जो भी रैली निकाल रहा है, तो इनकी गलती है, ये मूर्ख हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये करवट हिंदू हैं, पहले कमजोर मत होइए, आराम आराम से बोलिए, पहले भी कमजोर थे और आज भी ये कमजोर हैं। कमजोर नहीं होते तो करवट क्यों है? चौथी पीढ़ी मेरे को बता दे, एक भी मैं मुस्लिम भाई को बोल रहा हूँ, चौथी पीढ़ी अपना नाम बता दे, हिंदू है। अरे पागल क्यों हो रहे हो तुम? ये भारतवर्ष तुम्हारा है, इस धरती पे बैठ के खा रहे हो, इस पे तुम माँ भारती बोल रहे हो और इसको तुम गाली दे रहे हो, इसके तिरंगा को तुम लात के नीचे दबा रहे हो। मेरे को तो शर्म आ रही है कि भाइयों तुम्हें अब मुस्लिम कहूँ या अपना भाई कहूँ, क्योंकि पहले तो गलती तुमने ये कर भी कि डर के करवट खा के मुसलमान बन गए, दूसरी गलती ये कर रहे हो भारतवर्ष के तिरंगा को भी, जो आपकी चांद है और आपकी शान है, उसको तुम पैरों में दबा रहे हो। तीसरी गलती आप कर रहे हो कि जो भी आपके धर्म की जो बातें कर रहे हो उस पर तुम पथराव कर रहे हो, गोली चला रहे हो, तो मतलब गारा में पत्थर फेंके, तो उनका काम राम मंदिर का इन्होंने जिक्र किया अयोध्या में। राम मंदिर का मैंने जिक्र नहीं, नहीं मैं राम का जिक्र, हाँ राम का जिक्र किया, राम राज्य की बात की। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इससे लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष का कहना है, अगर बात करें कि कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर बस एक प्रोपेगेंडा है, धार्मिक ध्रुवीकरण है। ओवैसी साहब का कहना है कि मंदिर बनाने से क्या होगा, लेकिन राम मंदिर देश की ज़रूरत है या एक वोट लेने का एक तरीके से बीजेपी की राजनीतिक रणनीति है? राम मंदिर तो होना ही चाहिए। राम मंदिर भगवान की जगह है, जहाँ भगवान पैदा हुआ वहाँ मंदिर बनाना में कोई बुरी बात नहीं, प्रोपेगेंडा वाला कोई मामला नहीं है। और इसमें मंदिर भी नहीं बना, हाँ नहीं राजनीति तो हो ही रही है। दे दिया डेट दे दिया कि भाई मंदिर का हम होकर रहे, तो मैं ये कहूँगा कि हम जो हिंदू भाई है ना, जब राम मंदिर की हमने रैली निकाली थी तो करोड़ों में थे, धोड़ा कुआ, कनॉट प्लेस, नांगलोई सभी जगह भरी हुई थी। क्या हमारी तरफ से एक भी गलती पाई गई? क्या हमने कोई ऐसा काम किया कि हमारा देश का एक भी पैसे का नुकसान हो? हम सभ्य इंसान हैं और सभ्यता जानता है। मैं दूसरी बात और कहूँगा, ये मुस्लिम है ना, जो मुस्लिम इनसे चौथी पीढ़ी का नाम पूछो कि ये कौन है, ये हिंदू हैं। डर अगर अगर डर के ये मुस्लिम बन गए और आज राजनीति में आके ये हमारे जो राम या बजरंग दल जो भी रैली निकाल रहा है, तो इनकी गलती है, ये मूर्ख हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये करवट हिंदू हैं, पहले कमजोर मत होइए, आराम आराम से बोलिए, पहले भी कमजोर थे और आज भी ये कमजोर हैं। कमजोर नहीं होते तो करवट क्यों है? चौथी पीढ़ी मेरे को बता दे, एक भी मैं मुस्लिम भाई को बोल रहा हूँ, चौथी पीढ़ी अपना नाम बता दे, हिंदू हैं। अरे पागल क्यों हो रहे हो तुम? ये भारतवर्ष तुम्हारा है, इस धरती पे बैठ के खा रहे हो, इस पे तुम माँ भारती बोल रहे हो और इसको तुम गाली दे रहे हो, इसके तिरंगा को तुम लात के नीचे दबा रहे हो। मेरे को तो शर्म आ रही है कि भाइयों तुम्हें
अब मुस्लिम कहूँ या अपना भाई कहूँ, क्योंकि पहले तो गलती तुमने ये कर भी कि डर के करवट का खा के मुसलमान बन गए, दूसरी कर गलती ये कर रहे हो भारतवर्ष के तिरंगा को भी जो आपकी चांद है और आपकी शान है उसको तुम पैरों में दबा रहे हो, तीसरी गलती आप कर रहे हो कि जो भी आपके धर्म की जो बातें कर रहे हो उस पर तुम पथराव कर रहे हो, गोली चला रहे हो।